नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी कैंपेन को कवर करने वाले हैं जिसके बारे में आपने अपने टीवी में या इंटरनेट में कहीं ना कहीं तो सुना, देखा, पढ़ा जरूर होगा, और वो है जागो ग्राहक जागो कैंपेन, जो कि जनता को जागरूक करने के लिए शुरू की गई थी। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको हम कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब अवश्य करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जेके, ज्योग्राफी, साइंस, इमामा, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, जागो ग्राहक जागो, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है वेक अप कंज्यूमर्स, नो योर राइट्स व्हेन परचेजिंग अ प्रोडक्ट एंड चेक द ऑथेंटिसिटी। जागो ग्राहक जागो, ग्राहकों जागो, अपने राइट्स को पहचानो। जब भी कोई प्रोडक्ट देखते हो तो उसको अच्छे से ऑथेंटिकेट करो, चेक करो कि वो आपके और आपके परिवार के लिए सही है कि नहीं है। जागो ग्राहक जागो, देखिए जागो ग्राहक जागो जो है ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जिसका मेन एम है जो कंज्यूमर है, हम और आप जो कंज्यूमर्स हैं उनको अवेयर करना, उनमें अवेयरनेस जो है उसको रेज करना, अवेयरनेस बढ़ाना, ताकि वो कोई गलत सामान ना खरीदें, जो भी चीज़ खरीदें वो बढ़िया खरीदें और अच्छी चीज़ खरीदें। अब इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको जानकारी दी जाए, जितने भी फ्रॉड होते हैं, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। जैसे पहले क्या हुआ करता था कि सब्जी वाले या बाकी लोग जहाँ पे तोल के सामान दिया जाता है, चाहे वो सब्जियां हों चाहे वो दालें हों, है ना, तो वहाँ पे क्या क्या करते थे कि जिसके माध्यम से तोला जाता है उसकी क्वांटिटी को देखा जाता है कि कितनी है कितनी नहीं है। वहाँ पर फ्रॉड्स किए जाते थे कि क्वांटिटी जो है वो कम होगी लेकिन वो जो मशीन है उसमें ज़्यादा बता दी जाएगी। तो जैसे ये एक फ्रॉड हो गया, फिर कई और फ्रॉड होते हैं, जैसे आप सब जानते हो दिवाली के टाइम कई मिठाइयों में मिलावट हो जाती है, इस प्रकार की चीज़ें। तो इस प्रकार के जो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में जो कंज्यूमर्स हैं उनको जानकारी दी जाए, इन्फॉर्म किया जाए, और इस प्रकार के जो बाकी कॉमन इश्यूज़ हैं उन सब चीज़ों के बारे में कंज्यूमर को इन्फॉर्म किया जाए और उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दी जाए। अगर वो रिड्रेसल चाहते हैं, किसी की अगर वो कंप्लेन करना चाहते हैं, उनको लगता है कि कहीं पे भैया गलत काम हो रहा है, कंप्लेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्लेटफॉर्म दिया जाए, रिड्रेसल के लिए भी उनको पूरी गाइडेंस दी जाए। ये इस पूरी कैंपेन का एम है। देखिए, इस कैंपेन के माध्यम से गवर्नमेंट चाहती है कि जो कंज्यूमर हैं उनको बचाया जाए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। तो कैसे बचाया जाएगा? जब हम उन्हें अवेयर करेंगे। अब यहाँ पर किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से किसी कंज्यूमर को कैसे प्रिवेंट किया जाएगा? उनको क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड और जो गुड्स के प्राइस हैं उसके बारे में जानकारी देके, उनके बारे में इंफॉर्मेशंस देके। तो यहाँ पे क्वालिटी है, क्वांटिटी है, पोटेंसी है, प्योरिटी है, स्टैंडर्ड है और प्राइस है। इनके साथ कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। अगर किसी को लगे कि कॉम्प्रोमाइज़ है तो मतलब उसके जो कंज्यूमर राइट्स हैं ये उनकी वायलेशन है और उसके लिए कंज्यूमर जो है वो रिड्रेसल्स में जा सकता है। जो कंज्यूमर है इसके पास राइट है, अधिकार है कि वो जो भी गुड्स खरीद रहा है वो एश्योर करे कि ये गुड्स सही हैं कि गलत हैं, और इसके साथ साथ कंपिटिटिव प्राइजेस पे अगर वो चाहता है खरीदना तो वो खरीद सकता है। अब देखिए, ये एक अवेयरनेस इनिशिएटिव है जैसे मैंने पहले भी कहा, और ये अवेयरनेस कैसे फैलाई गई? तो इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ किया, जैसे प्रिंट मीडिया, टीवी है, रेडियो है, सिनेमा थिएटर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, होर्डिंग्स हैं, डिस्प्ले बोर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने संभवतः अपने जीवन में देखी ही होंगी। टीवी में तो पहले इस प्रकार की बहुत सी एड्स आई करती थी, तो वो चीज़ें भी आप में से बहुतों ने देखी ही होंगी। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो, सिनेमा थिएटर्स, वेबसाइट, होर्डिंग्स, डिस्प्ले बोर्ड्स, इन सारों का यूज़ किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो अवेयरनेस कैंपेन है ये पहुंचाई जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके। अब जो रूरल और बैकवर्ड एरियाज आते हैं वहाँ पे हमारे जो डिपार्टमेंट है उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया फेयर्स एंड फेस्टिवल्स में, अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में इवेंट्स कराए गए। फिर जब भी कोई मेले आते हैं, कोई फेस्टिवल आता है, उस टाइम भी आपने देखा होगा कि अलग अलग कैंपेन्स जो हैं वो करी जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके जो भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनके प्रति। अब देखिए, ग्रास रूट लेवल पे अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को एड देना भी शुरू किया, ग्रांट्स देना शुरू किया, पैसे देना शुरू किया ताकि ग्रास रूट लेवल पे जो कंज्यूमर है उसको अवेयर किया जा सके
कैसे अलग अलग प्रकार की अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करके, लोकल भाषा में अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करके, क्योंकि कई लोगों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी आती है, तो अलग अलग भाषा में, लोकल लैंग्वेज में लोकल कंटेंट बना के अवेयरनेस एक्टिविटीज़ की जाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवेयर कर सकें। अब यहाँ पर डिजिटल चैनल्स का यूज़ भी हुआ, यहाँ पर सोशल मीडिया का भी भरपूर यूज़ होता है इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए। क्रिएटिव कंटेंट बनाया जाता है, उसको सोशल मीडिया में फैलाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो कंटेंट पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कंटेंट को देखें और फिर उनमें भी अवेयरनेस आए, ऐसी कोई भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस को देखें तो उसके लिए वो आवाज़ उठाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी पैसा भी प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथनिंग कंज्यूमर कमीशन स्कीम के तहत। यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कंज्यूमर कमीशन हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी स्टेट्स को प्रोवाइड करती है। फिर हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक स्कीम भी चलाई कॉम्फोनेट, जिसके फुल फॉर्म है कंप्यूटराइजेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑफ कंज्यूमर कमीशन इन द कंट्री, ताकि जितने भी कंज्यूमर कमीशन हैं उनको फुली कंप्यूटराइज किया जा सके। इस इनिशिएटिव की वजह से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना काफ़ी ईजी है, काफ़ी क्विक हो गया है, और इसके माध्यम से स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेज, जैसे मान लो कोई केस आता है तो जल्दी से जल्दी उस केस का निपटारा किया जाए, इसको भी ये फैसिलिटेट करता है कॉन्फोनेट। तो यहाँ पर क्विक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन और स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस को फैसिलिटेट करता है कॉन्फोनेट, जिसके फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटराइजेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑफ कंज्यूमर कमीशन इन द कंट्री। ये जो फुल फॉर्म्स होती हैं उनको ध्यान में रखा करिएगा, कई बार इनसे सीधा सवाल पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ने eDAKkhil.nic.in ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल बनाया है, ताकि जो कंज्यूमर और एडवोकेट हैं उनको इनेबल किया जा सके अगर वो कोई भी कंप्लेंट ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेंट भी की जा सकती है eDAKkhil.nic.in। अब इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या हो रहा है, एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस जो है ये उसको प्रमोट कर रहा है। अब बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है किसी के खिलाफ शिकायत करना eDAKkhil.nic.in के माध्यम से। करंटली ये 35 स्टेट्स एंड यूटीज, मतलब स्टेट्स और यूटीज़ को मिलकर मैं बता रहा हूँ ये नंबर, कि 35 स्टेट्स एंड यूटीज़ में ये जो पोर्टल है ये ऑपरेशनल है, और यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो अपनी कंप्लेंट्स को काफ़ी ईजीली सबमिट कर पा रहे हैं। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस, जहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो जागो ग्राहक जागो कैंपेन से रिलेटेड थे उन सबको कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और क्योंकि ये हमारे कंज्यूमर राइट्स से जुड़ी है तो आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव भी मिला होगा कि हमारे पास कंज्यूमर राइट्स भी हैं। अगर आपको ऐसा पर्सपेक्टिव मिला हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि बाकी लोगों को भी अवेयरनेस मिले। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स इकोनॉमी जीके टीचर ऑफिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्ले लिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके का इंटरफेस और जीके टिक्स के ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।